नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैदराबाद पहुंच चुके हैं। वो अपने चार्टर विमान से हैदराबाद गए और इस दौरान आरजेडी के कई वरिष्ठ नेता भी उनके साथ हैदराबाद गए हुए हैं। आपको बता दें कि आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह, अब्दुल बारे सिद्दीकी जैसे वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव के साथ मौजूद है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जब पटना से हैदराबाद के लिए रवाना हो रहे थे, तब उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की थी। वहां पहुंचकर तेजस्वी यादव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और इसके साथ ही साथ राज्य सरकार के पुत्र से भी तेजस्वी यादव ने मुलाकात की। आपको बता दें कि चार्टर विमान से वो हैदराबाद पहुंच गए हैं और गुलदस्ता देकर तेजस्वी यादव का स्वागत किया जा रहा है। पहले आप उस पूरे वीडियो को देखिए। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैदराबाद पहुंच चुके हैं और आज सुबह ही वो हैदराबाद के लिए रवाना हुए थे। हैदराबाद के प्रगति भवन जाकर तेजस्वी यादव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की यह भेंट शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और राज्य सरकार के मंत्री और उनके पुत्र से भी मिले। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चार्टर विमान से पटना से हैदराबाद पहुंचे थे। विमान में वरिष्ठ राजद के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, राजद नेता भोला यादव और एमएलसी सुनील सिंह भी उनके साथ थे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से तेजस्वी यादव को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। और एक तस्वीर और है जिसमें तेजस्वी यादव और के चंद्रशेखर राव एक सोफे पे बैठे नजर आ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव किस काम से हैदराबाद गए हुए हैं, हालांकि अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट हमारे पास आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना ना भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।